address the gathering. Thank you. आदरणीय सुमित्रा ताई जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अनंत कुमार, डिप्टी स्पीकर श्रीमान थम्पी दुराई जी, देश भर से आए हुए सभी विधानसभाओं के आदरणीय स्पीकर महोदय, सभी राजनीतिक दलों के सभी वरिष्ठ नेतागण, सांसदगण, विधायकगण, मैं सबसे पहले सुमित्रा जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस कार्यक्रम की रचना के लिए। हम लोगों को पता है कि हमारे सामान्य जीवन में हम लोगों का मन करता है किसी बड़े तीर्थ क्षेत्र में जाएं, अपने माता पिता को ले जाएं, और जब बड़े तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो वहां जाकर के मन में एक संकल्प भी करते हैं कि भाई मैं जीवन में ये करूंगा या परिवार में ये करूंगा, कोई इनको संकल्प लेते हैं, हर कोई अपने अपने तीर्थ क्षेत्र में करते हैं। आज आप सब सिर्फ एक कार्यक्रम में नहीं है, आप कल्पना कीजिए आप कहां बैठे हैं। ये वो सदन है जहां मैंने जीवन में पहली बार 2014 के मई महीने में प्रवेश किया था। उसके पहले मैंने सेंट्रल हॉल देखा नहीं था। मुख्यमंत्री आ सकते हैं, यहां कोई रोक नहीं थी मुख्यमंत्रियों के लिए, लेकिन मुझे ऐसा कभी अवसर आया नहीं। और जब देश ने बहुमत दिया और यहां नेता का चुनाव होना था तो उस दिन मैं इस सेंट्रल हॉल में आया था। ये वो सेंट्रल हॉल है जहां पर संविधान सभा की विस्तार से मीटिंगें हुई, सालों तक हुई। आप उस जगह पर बैठे हैं जहां कभी कोई बार उसी जगह पर पंडित नेहरू बैठे होंगे, कभी बाबा साहब अंबेडकर बैठे होंगे, कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे होंगे, राजगोपालाचारी बैठे होंगे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू बैठे होंगे, कमा मुंशी बैठे होंगे, यानी देश में ऐसे महापुरुष जिनके नाम हमारे भीतर एक नई प्रेरणा देते हैं, वो यहां कभी बैठते थे, संविधान सभा की चर्चा करते थे, उस जगह पे आज आप बैठे हैं। यानी अपने आप में एक पवित्रता तक का एहसास, अगर इन बातों को हम स्मरण करें तो अपने आप होता है। संविधान निर्माताओं ने और खास करके बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे संविधान को एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में उसका वर्णन किया। और ये बात सही है, दुनिया में हमारे संविधान की विशेषता सिर्फ धाराओं के कारण नहीं है, अधिकारों के कारण नहीं है, कार्य के बंटवारे के कारण नहीं है, लेकिन देश में सदियों से जो बुराइयां घर कर गई थी उससे मुक्ति दिलाने का एक जद्दोजहाद में से, एक मंथन में से जो अमृत निकला वो हमारे संविधान के अंदर शब्द रूपी उसने स्थान पाया है। और वो बात थी सामाजिक न्याय की। अब ज्यादातर हम सामाजिक न्याय की चर्चा करते हैं तो समाज की अवस्था तक ही सीमित रहते हैं, आवश्यक भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सामाजिक न्याय का एक और दायरा भी है। कोई मुझे बताएं कि एक घर में बिजली है
बगल वाले घर में बिजली नहीं है, क्या सामाजिक न्याय ये हक हम पे जिम्मेवारी नहीं बनाता है कि उसके घर में भी बिजली होनी चाहिए? एक घर गांव में बिजली है लेकिन बगल वाले गांव में बिजली नहीं है, क्या सामाजिक न्याय का वो संदेश नहीं है कि अगर इस गांव में बिजली है तो उस गांव में भी होनी चाहिए? एक डिस्ट्रिक्ट फला फूला है, बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन दूसरा डिस्ट्रिक्ट पीछे रह गया है, क्या सामाजिक न्याय की बात करने में हमारी ये बाध्यता नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट भी तो कम से कम बराबरी में तो आए? और इसलिए सामाजिक न्याय का सिद्धांत हम सबको इस दायित्व के लिए प्रेरित करता है। हो सकता है कि देश जो सबकी अपेक्षा हुई वहां नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे ही राज्य में 5 डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छे पहुंचे हैं लेकिन 3 डिस्ट्रिक्ट बहुत पीछे रह गए हैं। इसका मतलब 5 तक पहुंचने की तो क्षमता है ही है, उन 3 को भी 5 की बराबरी में लाया जा सकता है। अगर राज्य के अंदर कुछ पैरामीटर्स में कुछ डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं, मतलब उस राज्य के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट पीछे रह गए हैं, क्या हम तय कर सकते हैं? क्या हमारे देश में हमारा स्वभाव क्या है, हम एग्जाम देते हैं जब स्कूल में पढ़ते हैं तो अगर ज्योग्राफी में हम वीक है तो हम सोचते हैं यार मैथमेटिक्स में इतनी जोर लगा लूंगा ताकि ज्योग्राफी में मार्क कम आएंगे तो कॉम्पनसेट कर लूंगा, लेकिन फर्स्ट क्लास में निकल जाऊंगा। हर कोई इसी प्रकार से हम लोग पले बढ़े ही ऐसे हैं। राज्य को भी जब टारगेट आते हैं या भारत सरकार भी कोई टारगेट तय करती है तो क्या करते हैं, जो इजीली रिजल्ट देने वाले लोग हैं उन्हीं को ताकत लगाते हैं, यार कर लो देश का आग बन जाए, और उसका परिणाम ही आता है जो अच्छा करते हैं वो तो लगातार अच्छे से अच्छे होते चले जाते हैं, और आंकड़ों के हिसाब से रिजल्ट भी अच्छा लगता है, वाह बढ़िया हो गए, इतना परसेंटेज तय किया तो हो गया, लेकिन जो पिछड़ गए हैं वो और पिछड़ने की दशा में आ जाते हैं। और इसलिए स्ट्रेटेजिकली हमें अपना डेवलपमेंट मॉडल को थोड़ा और बारीकी की ओर जाने की आवश्यकता पैदा हुई है। हम राज्यों के हिसाब से देखें तो अच्छा हुआ है कि कॉम्पिटेटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का माहौल बना है, और मैं इस दृश्य को भी मानता हूं, ये दृश्य अपने आप में फेडरलिज्म का एक अच्छा जीता जागता रूप है, जहां पार्लियामेंट के मेंबर विधायक के साथ बैठ करके इलाके की राज्य की और देश की चिंता और चर्चा कर रहे हैं। ये अपने आप में एक फेडरलिज्म को एक नया आयाम मिला है इस अवसर से। क्या न हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कारण अब राज्यों के बीच तो तुलना होने लगी है, और कोई राज्य पीछे रह गया तो आलोचना भी होती है, उनको भी लगता है नहीं हम भी कुछ करेंगे, ये माहौल तो बना है, लेकिन देश जो अपेक्षाएं करता है अगर उन अपेक्षाओं को पूरा करना है तो हम उसी पैरामीटर के हिसाब से और उसी इकाई के हिसाब से चलेंगे तो शायद उचित परिणाम नहीं मिलेगा। एक अनुभव आया स्वच्छता अभियान का, स्वच्छता का जब रैंकिंग शुरू हुआ, नगर नगर के बीच हुआ, महानगर महानगर के बीच होने लगा, तो एक स्पर्धा पैदा हुई, और एक अगर नगर पीछे रह गया तो गांव के लोग ही आवाज उठाने लगे कि भाई क्या कारण है, वो नगर तो आगे बढ़ गया हम क्यों गंदे रह गए, उसमें से आंदोलन खड़ा हुआ, एक कॉम्पिटिशन पैदा हुई है। जब इस विषय को देखा तो भाई आखिर के देश में जो कुछ तो बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं फिर भी देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, स्थितियां बदल दी क्यों? तो उसमें से एक विचार आया कि क्यों ना हम देश में उन डिस्ट्रिक्टों को छाने, कुछ पैरामीटर तय करें और जो ऑफिशियली पब्लिकेशन जिसका हो चुका है उन्हीं आंकड़ों को आधार ले, कुछ आंकड़े 2011 के मानदंड पर है, उसके बाद के सर्वे नहीं है, लेकिन जो भी उपलब्ध है 48 अलग अलग पैरामीटर निकाले और उसमें से देखा कि भाई
इन 48 पैरामीटर्स में पीछे है वैसे डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, और अनुभव आया कि जो 5-10 पैरामीटर में पीछे हैं ज्यादातर वो सब पैरामीटर में पीछे हैं। होता क्या है, राज्य में भी 10 डिस्ट्रिक्ट बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं लेकिन 5 डिस्ट्रिक्ट पीछे हैं तो वो उसको पूल करते हैं, आगे गए हुए को भी पीछे खींचने का काम करते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट पुश करें ये व्यूहात्मक दृष्टि से बहुत आवश्यक है, और उसी में से विचार आया कि निश्चित पैरामीटर के साथ आइडेंटिफाई करें कि कौन डिस्ट्रिक्ट है जहां काम करने की विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। करीब साल भर से इसके लिए होमवर्क चला, अलग अलग स्तर पर चर्चाएं हुई, मीटिंगें हुई, आइडेंटिफिकेशन हो गया। बाद में उन 115 डिस्ट्रिक्ट जो डीएम है, कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं कहीं कर, उनको यहां बुलाया गया, उनका 2 दिन का वर्कशॉप किया गया कि भाई समस्या कहां है। अब ऐसे राजनीति जैसा स्वभाव है हम लोगों का, उसमें आप और मैं कोई अलग नहीं है, हम सब एक ही है। हम लोगों का स्वभाव क्या बना हुआ है, अच्छा ठीक है बजट बताओ, पैसे कहां है। लेकिन कभी अगर ध्यान से देखेंगे तो उपलब्ध संसाधनों से ही अगर एक डिस्ट्रिक्ट आगे गया है, उसी संसाधन मौजूद होने के बाद भी दूसरा पीछे रह गया है, मतलब संसाधन इश्यू नहीं है, शायद गवर्नेंस इज इश्यू, लीडरशिप इज इश्यू, कोऑर्डिनेशन इज इश्यू, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इज इश्यू। और इसलिए हम इन चीजों को कैसे बदले, और उसमें से सभी कलेक्टर के साथ मैं भी बैठा, बातचीत की, सभी वरिष्ठ भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ बैठे, एक चीज मेरे ध्यान में आई, मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक सदन में ऐसे लोग आज बैठे हैं कि जिनके सामने अगर मैं खुलकर के कुछ बात करूं तो बुरा नहीं होगा। मैं हैरान था, आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं उनकी एवरेज उम्र 27-28-30 के करीब करीब होती है, यंग आईएएस अफसर होते हैं, उनको 3-4 साल में वहां जाने का अवसर मिल जाता है। लेकिन ये 115 डिस्ट्रिक्ट मैंने देखे, उसमें 80% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टरों को मिला वे 40 प्लस थे, कोई 45 तक वाले थे। अब मुझे बताइए 40-45 की उम्र का अफसर उस डिस्ट्रिक्ट में है, वो अब बच्चे बड़े हुए हैं, उसके एडमिशन की चिंता कर रहा है, बड़े शहर में काम मिल जाए उसका दिमाग में रहता है, बच्चों की पढ़ाई का कुछ हो जाए उसके दिमाग में वही रहता है। दूसरा, ज्यादातर ये स्टेट कैडर के जो प्रमोटी ऑफिसर होते हैं उन्हीं को वहां जाने का मतलब सोच में ही बैठ गया है कि ये तो बैकवर्ड है, डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है, किसी को भेज दो यार गाड़ी चल जाएगी, वहीं से शुरुआत होती है। अगर हम सब मिलकर के तय करें कि 115 डिस्ट्रिक्ट में आने वाले 5 साल तक फ्रेश अफसरों को लगाएंगे जिसमें ऊर्जा है, करने का जज्बा है, आप देखिए चीजें बदलना शुरू हो जाएगी। मैं मुख्यमंत्रियों से बात कर रहा हूं कि आप और उसको विश्वास दीजिए, भाई तुम्हें ये चैलेंज दे रहे हैं, आज तो वहां भेजा मतलब अफसर लोग ही अंदर अंदर चर्चा करते मर गया तू, क्या तेरे कुछ पॉलिटिकल लिंक नहीं है क्या यार, क्या हुआ तुझे, क्यों यहां डाल दिया, यही साइकी शुरू होती है। कभी कभी लगता है हमको संसाधन, अब कोई मुझे बताया कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा काम हो रहा है लेकिन बगल वाले में नहीं हो रहा है, क्या कमी है, मैं नहीं मानता कोई कमी है, लेकिन जो मोटिवेशन चाहिए, जो एक परफेक्ट प्लानिंग चाहिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन चाहिए, उसका अभाव है कि वैक्सीनेशन नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है तो बीमारियों के लिए दरवाजा खुल गया है तो बीमारियां आती रहती हैं, वो एक के बाद एक बढ़ता चला जा रहा है। स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल है टीचर है बिल्डिंग है सब कुछ है, बजट है सब है, मध्यान्ह भोजन है सब है, लेकिन यहां पर ड्रॉप आउट कम है,
वहां पर बगल में ही दो डिस्ट्रिक्ट। कहने का तात्पर्य है कि मामला संसाधन पर अटका हुआ नहीं है। दूसरा, आपने देखा होगा जहां पर अफसरों ने और लोकल लीडरशिप ने एक मिशन मोड में लीडरशिप दी है, लोगों को जोड़ा है, आप देखिए देखते ही देखते बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। जन भागीदारी और सभी एक दिशा में, क्या हमारे पंचायत के प्रधान हो, पंचायत के सदस्य हो, नगरपालिका के सदस्य हो, नगरपालिका के प्रधान हो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो, तहसील पंचायत हो, इन सारे अपनी जो भी समाज जीवन में जिनके पास प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है, एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में, मेरे क्षेत्र में अगर इस प्रकार का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आया है, हम तय करेंगे, हम सब एक दिशा में चार काम तो पूरा करके रहेंगे, ये 10 काम तो पूरा करके रहेंगे, हम लाएं ताकत लगाएंगे, हम लोगों को जोड़ेंगे, आप देखिए बदलाव शुरू होगा। कभी कभी बारीकी में जाने से कैसा बदलाव आता है, कोई एक व्यक्ति अच्छा खासा तंदुरुस्त दौड़ता कूदता काम करने वाला व्यक्ति, खाना ठीक से खा रहा है, फैमिली लाइफ ठीक है, व्यवस्थाएं अच्छी है, कोई दुविधा नहीं है, लेकिन धीरे 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 वेट कम हो रहा है, तो उसको लगता है नहीं नहीं शुरू में तो वो कह देता है नहीं मैं थोड़ा डाइटिंग करता हूँ, पहले से जरा फिट लग रहा हूँ, फिर भी वेट कम होता है, तो उसको लगता है यार क्या हुआ, कभी वीकनेस शुरू होने लगती है, फिर भी वो जिंदगी अपने ऐसे ही जी रहा है, मस्त जी रहा है, लेकिन कोई अच्छा अनुभवी डॉक्टर कहता है अरे भाई पहले एक बार चेक कराओ, और जब चेक कराता है पता चलता है यार डायबिटीज़ है, और उसी के कारण इतनी बढ़िया सा तंदुरुस्त शरीर एक डायबिटीज़ अंदर एंटर कर गया, और जैसे ही उसने डायबिटीज़ को एड्रेस किया, उसके लिए जो भी दवाएँ लेनी शुरू की, डायबिटीज़ तो था गया नहीं कंट्रोल, बाकी सारे पैरामीटर ठीक होने लगे। मैं समझता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी यही हाल है, हम एक बार देखें कि वो कौन सी चीज़ है जो इस डिस्ट्रिक्ट को वीक करती चली जा रही है, हम उसको एड्रेस करें और उसमें से परिवर्तन लाने का प्रयास करें, आप देखिए कोई डिस्ट्रिक्ट पीछे नहीं रहा। कल्पना कीजिए 115 डिस्ट्रिक्ट, उसमें 30-35 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के हैं, जिसको होम मिनिस्ट्री को मैंने स्पेशली कहा है कि उसमें कोई विशेष ध्यान देकर के हम उस समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, लेकिन बाकी करीब करीब 80-90 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जिसको हम बड़ी आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट का प्लानिंग भी कैसा होना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट में भी आपने देखा होगा एक तहसील होगा, हो सकता है वैक्सीनेशन में बहुत अच्छा जाता होगा, एक तहसील ऐसा होगा कि जो शायद ड्रॉप आउट के अंदर बहुत पॉजिटिव सिग्नल देता होगा, ड्रॉप आउट कम होते होंगे, कहीं ना कहीं उसमें भी स्ट्रेंथ होगी। उसमें जो वीक पॉइंट वाले इलाके हैं, धीरे धीरे से गांव की ओर नजर करें, भाई इस गांव में तीन चीजें तो बहुत अच्छी है लेकिन दो चीजें कम है, उस दो को एड्रेस करें एक बार, और ये ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, 115 डिस्ट्रिक्ट की कमियों को, और आपको जब नीति आयोग के लोग प्रेजेंटेशन देंगे, मैंने अभी दो दिन पहले सभी मंत्रियों के साथ बैठ करके प्रेजेंटेशन देखा, सरकार के प्रेजेंटेशन मैं पिछले 20 साल से देखता आया हूं, लेकिन इतना सटीक, इतना स्पष्ट, और एक लेमैन को भी समझ आए कि हाँ इसका रास्ता ये है, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन मैंने अमिताभ कांत ने दिया, अभी नीति आयोग का प्रेजेंटेशन था, आई वाज सो इम्प्रेस, वो आपको भी देने वाले हैं, आपको भी दिखाने वाले हैं। उसमें एक विषय है कि भाई आपका ये डिस्ट्रिक्ट, इस विषय में आपके राज्य की जो एवरेज स्थिति है उससे इतना पीछा है, आपके राज्य का जो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है उससे इतना है, नेशनल एवरेज से इतना पीछे है, और नेशन का बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट से इतना पीछे है, इन चार पैरामीटर से उसको बार बार देखा जाता है। आपको भी लगेगा कि अगर मेरे देश के 200 डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ सकते हैं तो मेरा डिस्ट्रिक्ट भी आगे बढ़ सकता है, मेरे देश के 1000 तहसील आगे बढ़ सकते हैं तो मेरा तहसील भी आगे बढ़ सकता है, और ये बात हम मान के चले, हम यहां सभी राजनीतिक दल के लोग बैठे, कोई एक जमाना था जब देश में हार्ड कोर पॉलिटिक्स
दिन रात पॉलिटिक्स, आंदोलन की राजनीति, बयान की राजनीति, संघर्ष की राजनीति, ये बहुत काम आती थी। आज वक्त बदला है, आप सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, जनता के काम आते हैं कि नहीं आते हैं इस बात को जनता देखती है। आप कितनी लड़ाई लड़ी, कितने मोर्चे निकाले, कितने बार जेल गए, वो आज से 20 साल पहले मैटर करता था आपके पॉलिटिकल कैरियर में। आज स्थिति बदल चुकी है, आज तो वो चाहता है। और आपने देखा होगा जो बार बार चुन करके आते हुए प्रतिनिधि हैं, उनका अगर आप एनालिसिस करोगे तो इसलिए नहीं चुन करके आते कि उन्होंने कितनी बार संघर्ष किया, लेकिन आप बिल्कुल देखना उनके जीवन में एक दो चीज ऐसी होती है जो बिल्कुल राजनीति से परे, सत्ता संघर्ष से परे, जनता के सुख दुख से जुड़ी हुई और वो उसमें आइडेंटिफाई होता है। ऐसा हुआ तो पहुंच गया होता है, वो हर बार उसके विषय में कुछ ना कुछ करता है, चाहे अस्पताल जाता होगा, मिलता हो, उस छवि से उसकी बाकी राजनीति चल जाती है। हमें भी कोशिश करनी होगी कि हार्डकोर पॉलिटिक्स आप छोड़ दें तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन समाज की रचना ही छुड़वा रही है, समाज में जो जागृति आई है वही छुड़वा रही है। वे चाहते हैं कि मेरे सुख दुख के समय कौन मेरे साथ है, मेरे जीवन में बदलाव लाने के लिए कौन मेरे साथ है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हम अपने क्षेत्र में तय करें कि भाई मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में 100% काम करूंगा, मैं अपना इनिशिएटिव, एक चीज बदलाव करेंगे अपने आप सिस्टम बदलना शुरू कर देगी। कोई कहेगा कि भाई इंद्रधनुष योजना है, वैक्सीनेशन की डेट है, उस दिन तो मैं फील्ड में रहूंगा ही रहूंगा, मेरे वॉलंटियर्स को रखूंगा, हमारे समाज जीवन में जो लोग हैं उनको भी इकट्ठा करूंगा, इंद्रधनुष स्कीम के तहत मैं वैक्सीनेशन का काम पूरा करूंगा। अब पहले हमारे यहाँ वैक्सीनेशन 30%, 40%, 50% सरकार खर्चा नहीं करती था, सरकार खर्चा करती थी, बजट खर्च करते थे, गुलाम नबी जी जब हेल्थ मिनिस्ट्री देखते थे तब भी होता था, लेकिन जन भागीदारी के अभाव में वो चीजें अटक जाती थी। इंद्रधनुष योजना के तहत एक विशेष प्रयास आरंभ किया, अब वैक्सीनेशन करीब 70-75% तक सब पहुंचा है, लेकिन क्या हम 90% तक पहुंचा सकते हैं? एक बार 90% पहुंचाएंगे तो 100% में मुसीबत नहीं आएगी। और अगर वैक्सीनेशन हो गया प्रेग्नेंट वीमेन का और बच्चों का, पोलियो मुक्ति अपने आप हो जाएगी और गंभीर प्रकार की बीमारियों से बचने का काम अपने आप हो जाएगा। व्यवस्थाएं हैं, योजना है, और कोई आवश्यकता नहीं है कि नए बजट की जरूरत है। जो बजट है, जो रिसोर्सेज हैं, जो मैन पावर है, वही अगर मिशन बोर्ड में काम करे तो परिणाम उत्तम मिल सकता है। इसी एक भूमिका के साथ एस्पिरेशन, और उसको मैंने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट शब्द प्रयोग करने से मना किया है, वरना साइकी वहीं से शुरू होती है। आपको मालूम होगा पहले हमारे यहां रेलवे में 3 क्लास हुआ करते थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। फिर बाद में सरकार ने आज से 20-25 साल पहले थर्ड क्लास कैंसिल कर दिया, डिब्बे में कोई फर्क नहीं किया, लेकिन साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा चेंज आया कि जो आदमी उसमें बैठता था उसके प्रति नफरत हो, अच्छा यार थर्ड क्लास में जा रहा है, अब वो बदलाव आ गया, डिब्बा वही है, बैठने की जगह वही है। और इसलिए अगर हम बैकवर्ड शब्द करेंगे तो फिर यार छोड़ो यार, मैं तो उस बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का विधायक हूं, अच्छा अच्छा तुम भी बैकवर्ड हो, वहीं से शुरू हो जाता है। हमें देश में बैकवर्ड की स्पर्धा नहीं करनी है, हमें देश में स्पर्धा फॉरवर्ड की करनी है। और हम हमारे इन इलाकों को, इन क्षेत्रों का विकास सामाजिक न्याय का काम है। अगर उस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट हुआ, मतलब अपने आप वो सामाजिक न्याय का हक बन ही जाएगा। अगर सब बच्चों को शिक्षा मिलती है हमारे क्षेत्र में, इसका मतलब सामाजिक न्याय का एक कदम हुआ। अगर सब घरों में बिजली है, मतलब सामाजिक न्याय का एक कदम हुआ। सामाजिक न्याय की जो विभावना इसी सदन के इसी सभागृहों में हमारे महापुरुषों ने हमारे सामने रखी थी, उसको एक नए स्वरूप में, और जिसमें संघर्ष की संभावना बहुत कम है, तुझे मिला मुझे नहीं मिला भाव का कम है, सबके लिए करना, इस भाव को लेकर के चलते हैं तो कितना बड़ा परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है सभी राजनीतिक दल के नेता यहां मौजूद है, उन्हीं क्षेत्र के विधायक और सांसद यहां मौजूद है,
एक बार आप ठान ले। अभी मैं मेरा दौरा करता हूं तो मैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के जो अफसर मुझे मिले थे पहले, जिनका दो महीने पहले अभ्यास वर्क किया था, उनको मैं वहां बुलाता हूं, पूछता हूं। अभी परसों मैं झुंझुनू था तो मैंने राजस्थान के 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को भी बुला लिया था और हरियाणा का एक है उनको भी बुला लिया था। मैंने पूछा, बताओ भाई, आधा घंटा बैठा था उनके साथ, बताओ भाई क्या हुआ। मैं देख रहा हूं कि अगर हम लोग भी उनका एक हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करेंगे, हम हिसाब किताब मांगे तो वो थक जाएंगे, क्यों नहीं हुआ मेरे इलाके में, क्यों नहीं हुआ फलाना, वो ठीक है, हम राजनीति का अपना स्वभाव है, लेकिन अरे भाई तुम चिंता मत करो, मैं रहूंगा, अच्छा लोग मदद नहीं करते, मैं आता हूं तुम्हारे साथ, चलो, उसका हौसला बुलंद हो जाएगा। हम उस सरकार में बैठे हुए लोगों को उनका हौसला बुलंद करें, जन भागीदारी को बढ़ाएं। क्यों न हम उस इलाके के जितने एनजीओ हो उनको इकट्ठा करें, जितनी युवा की एक्टिविटी है उनको इकट्ठा करें कि देखो भाई ये स्थिति बदलनी है, हमें, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, परिणाम नहीं आ रहा है, हमें बीच की खाई भरनी है और हम करेंगे। शासन व्यवस्था अपने आप दौड़ने लग जाएगी, क्योंकि उनको भी जब परिणाम मिलने लगता है तो उनका हौसला बुलंद हो जाता है। कभी कभी तो आप हैरान होंगे, ये 115 डिस्ट्रिक्ट में कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जिसका नाम सुनते ही हम भड़क जाएंगे, अच्छा ये भी बैकवर्ड है, यहाँ तो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ और ये भी नाम बैकवर्ड में है, कारण क्या? वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या कोई एक चीज के कारण इसका तामझाम इतना बढ़ गया कि नीचे जैसा वो डायबिटिक पेशेंट का होता है ना, बाकी चीजों का कोई ध्यान ही नहीं रहा, एक ही बड़ी चीज का जय जयकार होता गया। ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट ध्यान में आए कि अपने आप में बहुत नाम कमाया हुआ डिस्ट्रिक्ट, लेकिन बारीकी में देखें तो पैरामीटर में लड़खड़ा गया था, और वो एक ऐसी चीज उसके पास थी कोई भी जाकर के अभिभूत हो जाता है, वाह इतना बढ़िया है, लेकिन नीचे गड़बड़ होती थी। तो ऐसी भी कुछ चीजें ध्यान में आई हैं। कुछ लोगों के मन में यह रह सकता है कि भाई मेरा डिस्ट्रिक्ट नहीं आया, मेरा ऐसा, मैं समझता हूँ अभी तो एक 2011 के जो फिगर्स थे उसके आधार पर कुछ लिया है, कुछ फिगर बाद में मिले इसके आधार पर लिया है, राज्यों को भी बताया गया था भाई ये डिस्ट्रिक्ट आपके सिलेक्ट किए हैं, आपको अगर लगता है कि बदलना चाहिए तो एक 5-6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट चेंज करवाया था, बाकी एक इसको कोई राजनीतिक रंग न दिए बिना, उसका हुआ मेरा नहीं हुआ उस भाव को छोड़ करके हम सब मिल करके एक साल, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं दोस्तों, एक साल, अगर एक साल हम कर लग जाएं और ये अगर पैरामीटर बदल जाए तो आपके राज्य के पैरामीटर्स बदल जाएंगे, देश का चित्र बदल जाएगा, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दुनिया में हम 130-131 नंबर पर खड़े हैं। आज विश्व में भारत के अगर जिस प्रकार का आशा अपेक्षाएं बनी है, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की दृष्टि से उसको अगर हम अपना इंप्रूवमेंट करते हैं, और ये 115 डिस्ट्रिक्ट में इंप्रूवमेंट होगा तो देश का इंप्रूवमेंट अपने आप होने वाला है, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ेगा, और इसको अगर करके ले चलेंगे, योजनाओं का फायदा भी देखिए, कभी कभी क्या लगता है, जैसे मनरेगा है, गरीब जहां रोजगार नहीं है उनको रोजगारी मिले, ये उसका मूलभूत लक्ष्य है। अनुभव ये आया है कि जहां सबसे ज्यादा गरीबी है वहां कम से कम मनरेगा होता है, और जहां समृद्धि है वहां ज्यादा मनरेगा होता है, ज्यादा लोगों को काम, क्यों? कारण यही है कि जो अच्छे स्टेट है वहां गुड गवर्नेंस है, तो उसका नेचुरल बेनिफिट मनरेगा में भी जाना जाता है, और जहां पर गरीबी भी है, मजदूरी की जरूरत भी है, मनरेगा का पैसा भी है, लेकिन गवर्नेंस में वीकनेस है तो पैसा उन गरीबों तक पहुंचता नहीं है। हकीकत में जो देश के अच्छे आर्थिक समृद्धि वाले राज्य हैं वहां तो मनरेगा का मिनिमम पैसा जाना चाहिए, और जहां गरीबी है उन राज्यों में सबसे ज्यादा जाना चाहिए, लेकिन संसाधन समस्या नहीं है, गुड गवर्नेंस इज अ प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन इज प्रॉब्लम, फोकस एक्टिविटी इज अ प्रॉब्लम, इन चीजों को अगर बल देते हैं तो हम बहुत बड़ा परिणाम ला सकते हैं। मैं फिर एक बार सुमित्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक अच्छा समागम के माध्यम से, 2 दिन के मंथन से इन 115 डिस्ट्रिक्ट का भाग्य बदलने का काम संविधान सभा जहां बैठी थी, जहां हमारे महापुरुषों ने बैठ करके चिंतन किया था, राष्ट्र के लिए जो सपना देखा था, उसी सदन में बैठ करके आज हम अपने एक नए आयाम की ओर कदम रख रहे हैं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं फिर एक बार इस आने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं।
थैंक यू। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के सारगर्भित उद्बोधन से